जैसा कि हमने देखा था कि ये जो टेबल हमने सिंप्लीफाइड फॉर्म फाइंड आउट कर लिया है, ये फर्दर रिड्यूसेबल नहीं है। इसमें कोई ऐसी एंट्री नहीं है जिसमें नेक्स्ट डेट और आउटपुट सेव हो, तो हम इसको फर्दर रिड्यूस नहीं कर सकते। तो अब हम इसको लेट कन्वर्ट करते हैं दोबारा स्टेट डायग्राम की फॉर्म में। तो ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं कि हाउ टू कन्वर्ट अ स्टेट टेबल इनटू स्टेट डायग्राम। तो हम उसको कन्वर्जन स्टार्ट करते हैं कि अब हमारे पास ए बी सी डी ई ये पांच स्टेट्स हैं। तो हम पांच सर्कल अपने ड्रॉ कर लेंगे और फिर एज पर द स्टेट्स हम उस स्टेट डायग्राम को ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। तो जैसे कि इसके अंदर हमारे पास ए स्टेट थी, तो हमने ए स्टेट यहाँ पे ड्रॉ कर ली। अब ए में अगर इनपुट जीरो है तो वो उसी स्टेट पे रहता है, तो ए में अगर इनपुट जीरो है तो वो उसी स्टेट पे रहता है, और ये इनपुट मेंशन होगी और उस पॉइंट में हमारी जो आउटपुट है वो भी जीरो रह रही है। सिमिलरली अगर आप ए स्टेट में हैं और आपके पास इनपुट वन आती है तो आपकी नेक्स्ट स्टेट बन जाती है बी। सो अगर आप ए स्टेट में हैं और आपके पास इनपुट आती है वन, तो आप बी स्टेट पे चले जाते हैं, आप बी स्टेट पे चले जाते हैं इनपुट वन के केस में, और उस स्टेट में भी हमारे पास जो आउटपुट है वो जीरो रह गई। सो फॉर सो ऑन, ये हमने पिछली के प्रीवियस टॉपिक में भी पढ़ लिया था कि हाउ टू कन्वर्ट अ स्टेट टेबल इनटू स्टेट डायग्राम। तो हम इसको इसी वे में कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास अब रिड्यूस स्टेट डायग्राम आ गया, ये और रिड्यूस स्टेट टेबल आ गया। डेफिनेटली हमने कुछ स्टेट एल्यूमिनेट कर ली, तो कुछ स्टेट एल्यूमिनेट करने से आप स्टेट डायग्राम ही देख सकते हैं हमारे पास लेस कॉम्प्लेक्स होगी। और इसी स्टेट डायग्राम को यूज़ करते हुए जब आप स्टेट आगे फर्दर इक्वेशंस वगैरह निकालेंगे और सर्किट बनाने की कोशिश करेंगे तो वो भी फर्दर रिड्यूस होता जाएगा। अब ये दोनों कंपैरिजन के लिए साइड बाय साइड स्टेट डायग्राम शो की गई हैं। फर्स्ट वन जो हमारे पास स्टेट डायग्राम शो हो रही है, दैट इज़ द वन जो रिड्यूस नहीं थी। फिर हमने उस पर अपने रिडक्शन के प्रोसेस को इम्प्लीमेंट किया और ये हमने रिड्यूस फ्रॉम उसके निकाल ली। तो डेफिनेटली ये उससे लेस कॉम्प्लेक्स है, और इसको अगर आप जब सर्किट के फॉर्म में भी कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारे फ्लिप फ्लॉप रिडक्शन में भी काम आ सकती है, कॉम्प्लेक्सिटी को भी कम कर सकती है। तो बेसिकली हमारे पास डिज़ाइनिंग में जब भी हम करते हैं, हम जिस कम्बिनेशनल में भी देखा था कि हमारा हमेशा ये टास्क रहा है कि वी नीड टू मिनिमाइज द सोल्यूशन, हम जो सर्किट ओवरहेड है उसको मिनिमाइज रखते हैं। तो इस सिक्वेंशियल के अंदर भी जब हमने डिज़ाइन प्रोसेस में देखा था कि हम स्टेट डायग्राम बनाते हैं, स्टेट डायग्राम से स्टेट टेबल बनाते हैं, तो द स्टेप वॉज टू रिड्यूस द स्टेट टेबल। सो रिड्यूस स्टेट टेबल यहाँ पे हो जाएगा। फिर फर्दर हम इक्वेशन रिड्यूस करते थे के मैप मेथड से, और फाइनली हमारा आंसर जो हमारा रिजल्टेंट सर्किट है वो हो जाएगा। तो अगर हम अपनी वर्किंग स्टेट रिडक्शन पे कर लेंगे तो हमारा जो फाइनल वर्डिक्ट होगा, जो फाइनल आंसर होगा, जो फाइनल हमारा सर्किट होगा, दैट विल बी गिविंग अस द सेम रिजल्ट एज द नॉन रिड्यूसेबल स्टेट डायग्राम और स्टेट टेबल, बट हमारे पास जो सर्किट ओवरहेड है वो कम हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ विद रिस्पेक्ट टू द आउटपुट, तो इस सर्किट की आउटपुट और इस सर्किट की आउटपुट दोनों आउटपुट सेम होगी। तो आप इसके को यूज़ करके आगे स्टेट डायग्राम बनाए, स्टेट डायग्राम को यूज़ करते हुए स्टेट टेबल बनाए और फिर सर्किट डायग्राम बनाए और इस वाले को यूज़ करके बनाए, तो दोनों का जो आंसर होगा, दोनों का जो फाइनल रिजल्टेंट आंसर होगा, दैट रिमेन्स द सेम। फॉर वेरिफिकेशन पर्पज़ आप इसको प्रोटीएस पे ड्रॉ करके और स्कीमेटिक ड्रॉ करके आप दोनों को स्कीमेटिक को साइड बाय साइड सेम इनपुट अप्लाई करके आप आउटपुट फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारे दोनों केसेज की आउटपुट सेम रह रही होंगी। तो दैट्स ऑल, ये हमारे पास स्टेट रिडक्शन के रिलेटेड था। अब हम फर्दर स्टेट असाइनमेंट के रिलेटेड थोड़ी सी चीज़ें देखते हैं।